उस तरह से जनता को जागरूक नहीं किया गया और उसके लिए पहले से तैयारी नहीं की गई, जैसे नोटबंदी एक बैग कर दिया गया और लाइने में लोग मर गए 100 से ज़्यादा लोग, उसे वही हाल अभी है। अभी परिवहन विभाग में बहुत लंबी लाइन लग रही है, अभी प्रदूषण के लिए सर्टिफिकेट बनाने के लिए हम देख रहे थे, रास्ते में आ रहे थे तो सैकड़ों लोग लाइन में लगे हुए थे। तो बिना व्यवस्था के और डिजिटल इंडिया की बात की जाती है, ऑनलाइन सारा फॉर्म भरवाया जाता है लेकिन पैसा लेने के लिए और फ़ोटो खींचने के लिए यहाँ बुलाया जाता है। ये सारी व्यवस्थाएँ दोहरी व्यवस्था बहुत गलत है। अगर ऑनलाइन है तो सारा कुछ ऑनलाइन होना चाहिए और ऑफिस में एक बार सिर्फ बुलाएं सर्टिफिकेट लेने के लिए, अटेस्ट लेने के लिए, जो भी करना है एक बार बुलाया जाए। और परिवहन विभाग में सब जगह दलालों की भरमार है। मैं जानता हूं कि पब्लिक को ज़रूरत है, समय नहीं है, उनकी आवश्यकता है, लेकिन उसके लिए कानूनी रूप से प्रावधान होना चाहिए। जैसे LIC में एजेंट होते हैं और बजाते उनको सम्मान के साथ वो काम करते हैं और उनको फीस बीमा कंपनी देती है, वैसे ही परिवहन विभाग अपने यहाँ एजेंट बहाल कर सकती है, वो पब्लिक की मदद करेंगे और उनके लिए कमीशन जो है वो परिवहन विभाग दे। अभी जो है दलाली के माध्यम से लिया जाता है तो उसमें रिश्वत भी लिया जाता है परिवहन विभाग के अधिकारियों के लिए और अपना खर्च भी मनमाना लोग लेते हैं, तो इससे आम आदमी बहुत निचोड़ा जा रहा है। क्या नाम पड़ेगा आपका? मेरा नाम गुलाम कुदनम है, जिला।